दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th दिन का लॉकडाउन खत्म होने के बाद में सारे मार्केट खुल चुके हैं और चहल पहल बढ़ गई है वाहनों का आवागमन जनता का आवागमन काफ़ी बढ़ चुका है तो देखने में आया है कि काफ़ी जो मास्क है या सोशल डिस्टेंसिंग है या सार्वजनिक जगह पे थूकना है इन चीज़ों का उल्लंघन हो रहा है इसी को मद्देनज़र रखते हुए हैं हम लोग काफ़ी समय से यहाँ नाकाबंदी कर रहे हैं और जो भी इन चीज़ों का उल्लंघन कर रहा है उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं आज राजा साइकिल चौराहे पे हम नाकाबंदी हमारे हर मंडे को 9 से 11 बजे तक करते हैं इसके अलावा 9 नंबर पेट्रोल पंप पे हमारी 24 घंटे नाकाबंदी अनवरत चलती रहती है हमारा इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो भी राज्य सरकार के या केंद्र सरकार के दिशा निर्देश हैं उनकी पूरी पालना कराई जाए और किसी प्रकार का सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना नहीं हो ताकि किसी प्रकार की किसी की बीमारी नहीं हो और इस बीमारी को से बचने के लिए यही है कि वो घरों में रहें सुरक्षित रहें बिना मतलब कोई बाहर नहीं निकले सर जो बिना मास्क के उनके भी चालान काटें जो बिना मास्क के हैं उनके चालान हैं नॉर्म्स के हिसाब से चालान कट रहे हैं या जो 6 फीट की दूरी बना कर नहीं रखते हैं या एक गैदरिंग कर लेते हैं उसका भी हम चालान कर रहे हैं इसके अलावा सार्वजनिक स्थान पर थूकना है उसका भी हम चालान कर रहे हैं या सार्वजनिक स्थान पर कोई शराब पी के बैठा है या पी रहा है उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं तो जो सभी हेड्स हैं जो सभी नियम है जिसका कोई उल्लंघन कर रहा है उसका हम कार्रवाई कर रहे हैं